नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात केदारनाथ धाम के बंद हुए कपाट की करेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा केदारनाथ की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और शीतकालीन गंतव्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना कर दी गई। केदारनाथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गंतव्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में इस वक्त चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, इसकी वजह से ठंड भी बहुत है। बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री, देवस्थानम बोर्ड से जुड़े लोग, जिला प्रशासन, तीर्थ पुरोहित और हक हकूक भारी मौजूद रहे। आपको बताएं कि इस साल 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री चार धाम यात्रा पर पहुंचे, जिनमें से 2,40,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा केदारनाथ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली उखी मठ के लिए रवाना कर दी गई है और जब परिक्रमा की जा रही थी उस वक्त की ये तस्वीर है। आपको बताएं कि यहां से अब उखी मठ में बाबा केदारनाथ विराजमान हो जाएंगे और अगले 6 महीने तक वहीं पर बाबा केदार की पूजा अर्चना होगी। तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुबह 4 बजे से केदारनाथ मंदिर में बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई। बाबा केदार की विधि विधान से अभिषेक कर आरती उतारी गई और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को समाधि रूप देते हुए लिंग को भस्म से ढक दिया गया। बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति का श्रृंगार कर चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान किया गया और इसके बाद बाबा केदार की मूर्ति के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो अब डोली रवाना कर दी गई है उखी मठ के लिए। उससे पहले की तस्वीरें हैं, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और बाबा के प्रांगण को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया था। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए काफी उत्साह और उत्साह के साथ चल विग्रह डोली आगे के लिए रवाना कर दी गई है। बाबा केदार की डोली के साथ परिक्रमा लगाने के बाद वहां से उखी मठ के लिए डोली को रवाना किया गया। केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो चुके हैं। कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए, इसके बाद केदारनाथ धाम के आज कपाट बंद हो गए और आज ही यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं विधि विधान से बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट और शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदार के कपाट अगले 6 महीने तक उखी मठ में ही रहेंगे बाबा केदार। आपको बताएं कि यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:15 पर बंद कर दिए जाएंगे और अगले 6 महीने के लिए बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। माँ यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव लाई जाएगी और खरसाली गांव में 6 महीने तक यमुना मंदिर में ही पूजा अर्चना होगी। तो आज यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होने वाले हैं। 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अगले 6 महीने के लिए यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे और विधि विधान से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रुद्रप्रयाग और बड़कोट की तस्वीर आप देख रहे हैं। विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट बंद हुए और आज यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि 12:15 का मुहूर्त है जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और अगले 6 महीने के लिए ये कपाट बंद होते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, पंकज राणा देहरादून से मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे साथ नितिन चौहान बड़कोट से भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नितिन का रुख करूंगी। नितिन, आज क्योंकि यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होने वाले हैं तो क्या तैयारी इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या मुहूर्त है और इसके लिए तीर्थ पुरोहितों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए जय, जैसे कि आज भैया दूज है और आज इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है और आज ही के दिन जो यमुनोत्री धाम के कपाट हैं वो विधि विधान के साथ बंद हो जाते हैं।
इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो माँ यमुना के जो भाई हैं सनी देव महाराज, सोमेश्वर देवता स्थानीय भाषा में कहा जाता है, उनकी जो डोली है वो यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है सुबह, क्योंकि जो समय था वो 8 बजे का था। पूजा अर्चना करने के बाद जो है 8:30 बजे यमुनोत्री धाम के लिए शनिदेव की जो डोली है वो रवाना हो चुकी है। अब इसके बाद जब यमुनोत्री धाम शनिदेव की डोली पहुंचती है, फिर यमुनोत्री धाम में माँ यमुना की स्तुति कर वहाँ पूजा अर्चना करने की प्रक्रिया चलती है, ठीक 12:15 मंत्रोच्चारण के बाद जो कपाट वो बंद करने की प्रक्रिया चलती है, ठीक 15 मिनट पर यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। आज का जो महत्व है वो है भाई और बहन का विशेष महत्व माना जाता है, जिसमें जो बहन है वो भाई की दीर्घायु के लिए यमुनोत्री धाम की पहुंचते हैं, और हम देख रहे हैं लगातार जो भाई और बहन के जो जोड़े हैं वो यमुनोत्री धाम में कुछ जा रहे हैं। अभी मैं यमुनोत्री धाम के बिल्कुल पैदल मार्ग पे हूं और मैं लगातार देख रहा हूं, मुझे ज्यादातर भाई और बहन ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो महत्व है वो भाई बहनों का है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, इसके बाद माँ यमुना की जो भोग मूर्ति के दर्शन है उनके मायके खरसाली गांव में, यानी जो यमुना मंदिर है वहां पे अगले 6 माह तक होते रहेंगे। ये शीतकालीन दर्शन भी होंगे और शीतकालीन जो पूजा अर्चना वो भी होते रहेगी। जी नितिन बने रहिए आप हमारे साथ, पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आज बाबा केदार के भी कपाट बंद होंगे, यमुनोत्री धाम के कपाट 12:15 पर बंद हो जाएंगे, ये तो हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं कि आज कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जरा इसको और ब्रीफ कीजिएगा, क्या इसका महत्व है? जब बाबा केदार उखी मठ में स्थापित होंगे अगले 6 महीने के लिए, तो क्या इसका महत्व माना जाता है, किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना होती है? जय, बिल्कुल, देखिए ये हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक होता है कि जब बाबा केदार के धाम बंद होते हैं कपाट, और वहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद होते हैं, और ये एक पूरे देश के लिए बड़ी महत्व की बात होती है कि भैया दूज का जब वक्त होता है तो बाबा केदार के जो कपाट हैं वो बड़े विधि विधान और पौराणिक मनोच्चार के साथ बंद किए जाते हैं। सुबह 4 बजे से बाबा केदार में पूजा अर्चना की जा रही थी, तो वहाँ के तीर्थ पुरोहित और पांडा समाज के लोग हैं वो सुबह से 4 बजे से बाबा केदार की पूजा अर्चना कर रहे थे, और आज बाबा केदार की जो डोली है वो वहाँ से उखी मठ के लिए निकल जाएगी। पहला पड़ाव रामनगर में होगा, उसके बाद सीधे वहां से 3 पड़ाव के बाद उखीमठ में पहुंचेगी, और वहां पर विधि विधान के साथ बाबा केदार को स्थापित किया जाएगा, और प्रतिदिन बाबा केदार की वहां पे पूजा अर्चना की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि इस बार देवस्थानम बोर्ड ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि कोई तीर्थयात्री या कोई श्रद्धालु बाबा केदार के शीतकालीन दर्शन करना चाहता है तो उखीमठ में जाकर ओंकारेश्वर मंदिर में उनके दर्शन कर सकता है और पूजा अर्चना में शामिल हो सकता है। महत्व क्योंकि बाबा केदार 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे बड़ा महत्व उनका बाबा केदार का माना जाता है, तो इस लिहाज से कह सकता है कि आशीर्वाद लेने के रूप में हो या फिर बाबा के दर्शन के रूप में है, क्योंकि 18 सितंबर से जो यात्रा शुरू हुई थी और इस 18 सितंबर से आज तक की बात करें तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, और कुल जो चारधाम यात्रा है उसमें 4 लाख के करीब यात्री आए हैं, तो अकेले केदारनाथ धाम में 2 लाख से ऊपर यात्रियों का आना। पंकज, 4 लाख यात्री चारधाम की यात्रा पर पहुंचे हैं इस साल, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है, संख्या को कैसे देखा जाए, चाहे इंतजामों की बात करें, क्योंकि पिछले साल यात्रा पर ब्रेक रहा, लेकिन इस साल इस संख्या को किस तरीके से देखा जाए, क्या ये सफल यात्रा रही या फिर जो समय कम हुआ उसकी वजह से बहुत सारे यात्री दर्शन नहीं कर पाए? बिल्कुल, देखिए बहुत शॉर्ट पीरियड था यात्रा का, क्योंकि मुश्किल से 2 से 2.5 महीने की यात्रा चली है, लेकिन इस 2-2.5 महीने में यात्रियों की संख्या जिस हिसाब से आई है उसको सरकार भी काफ़ी उत्साहित मान रही है कि बहुत अच्छी संख्या रही है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी प्रतिबंधित यात्रा को किया गया था, कोरोना रिपोर्ट के साथ साथ तमाम चीज़ों का पालन करना अनिवार्य रखा गया था, इस वजह से जो यात्री है वो नहीं आ पाए हैं। अभी भी देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर यात्रियों की संख्या जो है, जो जब ये बंदी से हटाई थी हाईकोर्ट ने कि अब किसी भी तरह की बंदिश नहीं होगी, जो संख्या सीमित की गई थी उसके बाद से यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि हर रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे थे, अकेले केदारनाथ में हर रोज़ 8,000 से लेकर 10,000 यात्री दर्शन के लिए पहुँच रहे थे, तो ये एक कहीं ना कहीं इस ओर इशारे कर रहा है कि यदि यात्रा सुचारू होती, वक्त से पहले यात्रा चलती तो बहुत बड़ी संख्या उत्तराखंड में श्रद्धालु की हो सकती थी, लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि श्रद्धालु की संख्या ज़्यादा नहीं रही, श्रद्धालुओं की जो बंदिशें थी बॉर्डर एरिया पर तमाम रोक लोगों की लगाई जा रही थी, चाहे हम चारधाम यात्रा पर अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर कोविड
कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों को रोका जा रहा था, तो कुछ दिक्कतें वहाँ जरूर हुई है, हेली सेवा उसके बाद शुरू हुई, तो ये तमाम चीज़ें ही सोरी जाए सारे कर रही है कि अगर यात्रा सुचारू होती बिल्कुल ठीक से चलती तो निश्चित तौर पर संख्या जो है वो 50 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु भी पहुँच सकती थी, क्योंकि पिछले 3 साल से यात्रा को पूरी तरह से सुचारू नहीं किया गया था। उससे पहले अगर हम 2013 की बात करें तो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके वजह से भी लोगों में भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब क्योंकि सुगम यात्रा हो गई है, रोड बिल्कुल, और अगर इतनी पाबंदी के साथ भी अगर 4 लाख यात्री पहुंचे तो पंकज इसे सकारात्मक रूप से हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बाबा केदार के कपाट बंद हो चुके हैं, तीर्थ पुरोहितों का क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं और सारे विधि विधान से, तमाम विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई और भगवान को कहीं कुंटलो भभूति से भगवान का श्रृंगार किया गया और आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली आज जो है रामपुर जाएगी और कल भगवान की डोली जो है गुप्तकाशी जाएगी और परसों ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की डोली विराजमान होगी और वहीं आगे की पूजा पद्धति, भगवान की आगे की पूजा वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। ओम नमः शिवाय, जय बाबा जी। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दें, मां गंगा के उत्सव डोली मुखवा में विराजमान होगी। मां गंगा के उत्सव डोली 2 बजे मुखवा शीतकालीन प्रवास पर पहुंचेगी और मां गंगा के स्वागत के लिए स्थानीय देवता चंडी मंदिर में मां गंगा का स्वागत करने के लिए जाते हैं। मुखवा धाम में सभी क्षेत्रवासी मां गंगा के स्वागत में खड़े हैं। मां गंगा के उत्सव डोली भोग मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। तो बता दें आपको कि 2 बजे के आसपास डोली पहुंच जाएगी, उससे पहले के इंतजाम आप देख रहे हैं। 6 महीने के लिए यहीं पर मां गंगा विराजमान होंगी, उनकी पूजा अर्चना होगी, मुखपा में स्थापित होंगी 6 महीने के लिए मां गंगा। बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास डोली मां की पहुंच जाएगी और वहीं पर पूजा अर्चना अब अगले 6 महीने के लिए की जाएगी, उसके लिए इंतजाम वहां पर आप देख पा रहे हैं। क्या इस वक्त वहां पर तस्वीर है बताने के लिए जुड़े हैं इस वक्त दिग्वीर, मेरे सहयोगी दिग्वीर, क्योंकि 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब मां गंगा की डोली पहुंचेगी, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर है, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? अभी मां गंगा की डोली देवी मंदिर में है, देवी मंदिर में जो कि श्रद्धालु हैं और मां गंगा की डोली है और उसके बाद मां गंगा चंडी मंदिर पहुंचेगी। चंडी मंदिर में जो मुखबा और आसपास के गांव की स्थानीय देवता है, देवी देवता है, वो मां गंगा के स्वागत के लिए चंडी मंदिर में पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो मां गंगा की उत्सव डोली और जो स्थानीय देवता वो मुखबा धाम पहुंचेंगे ऊखी मठ में और वहां पे जो कि भव्य स्वागत स्थानीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मां गंगा की भोग मूर्ति की पूजा अर्चना, उत्सव डोली की पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना के बाद जो पूरे गांव में जो कि जो पूजा अर्चना के बाद भोज का भंडारण किया गया और उसके बाद जो मां गंगा की जो 6 माह तक जो अपने शीतकालीन प्रवास में पूजा अर्चना की जाएगी। तो जिस तरह से जो माहौल है जो मां गंगा का जो अभी काफी भव्यमय है और काफी श्रद्धालु और क्षेत्रवासी लोग जो कि मां गंगा के स्वागत में खड़े हैं और कुछ श्रद्धालु जो कल से ही लगे हुए हैं गंगोत्री धाम से, वो मां गंगा के जत्थे के साथ जय जयकारों के साथ नारे लगा रहे हैं और आप अभी जो चंडी मंदिर में पहुंचने वाली है मां गंगा की उत्सव डोली। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भक्त पीएम मोदी शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के द्वार पर पहुंचे और यहां पर पीएम ने भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की और केदारनाथ धाम से देश को भक्ति का संदेश भी दिया। पीएम मोदी करीब 4 घंटे केदारनाथ धाम में रुके और यहां पर पूजा अर्चना से लेकर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। लेकिन पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर सियासत भी जारी है। पीएम के केदारनाथ दौरे के बाद जहां बीजेपी में उत्साह है, चुनावों से पहले पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कई सवाल उठाए। कांग्रेस ने गर्भगृह में पूजा के लाइव प्रसारण और उत्तराखंड दौरे के दौरान विकास कार्यों के लिए किसी भी तरीके के पैकेज की घोषणा नहीं करने पर बीजेपी को घेरा है।
साथ ही कांग्रेस ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल की जगह बदलने का बीजेपी पर आरोप भी लगाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि केंतुरा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, कल पीएम का दौरा रहा लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है, विपक्ष की तरफ से कई आरोप पीएम के दौरे को लेकर। बिल्कुल जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में थे और केदारनाथ धाम में आकर उन्होंने पूजा अर्चना की और वहां पर अगर बात करें तो करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। लेकिन अगर विपक्ष के तौर पर बात करें तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को पूरी तरीके से राजनीतिक दौरा करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री अब ठीक चुनाव से पहले यहाँ पर आए और केदारनाथ से उन्होंने एक तरीके की जो केदारनाथ मंदिर है उसके प्रांगण को एक राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की है। इस तरीके के गंभीर आरोप हैं जो बीजेपी पर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। दो मुख्य चीज़ें रही जो गर्भगृह से लाइव प्रसारण की अगर बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब गर्भगृह से लाइव प्रसारण किया गया है, जबकि गर्भगृह में किसी भी तरीके का लाइव प्रसारण करने की जो है परंपराओं में नहीं है। इसके साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल की अगर बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि समाधि स्थल को बदला गया है और ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा पाप किया गया है। तो इस तरीके के जो आरोप हैं चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों ने भाजपा पर लगाए हैं। लेकिन ठीक अगर इधर देखें तो प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है क्योंकि अब चुनाव भी उत्तराखंड में है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी का यह भी कहना है क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी केदारनाथ में आते रहे हैं, हालांकि इस बार चुनाव है और भले ही विपक्ष इसको एक राजनीतिक दौरा उनका करार दे रहा हो लेकिन प्रधानमंत्री का हमेशा ही केदारनाथ। लेकिन चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम पीएम ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको दे। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम आवास पर यह समीक्षा बैठक होने जा रही है। दरअसल राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और शाम 4 बजे तक शासकीय काम निपटाएंगे और उसके बाद ये समीक्षा बैठक होगी। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर ये समीक्षा बैठक अहम मानी जा रही है।